प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, सरकार इटली के 9 सैनिकों के मामले में उचित समय पर चर्चा कराने को तैयार। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को अगले 2-3 सालों में विकास के रास्ते पर लौटाएंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में सीबीआई ने मामला किया दर्ज। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ समेत 12 जगहों पर सीबीआई के छापे। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने महाराष्ट्र और गुजरात सहित 6 अन्य राज्यों के लिए सूखा और राहत आपदा पैकेज का किया ऐलान। महाराष्ट्र को 1207 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता, गुजरात को 864 करोड़ रुपए का सूखा राहत पैकेज। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के हवाई अड्डों को दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डों में किया गया शामिल। हवाई अड्डों के वैश्विक निकाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने इंचियोन हवाई अड्डे के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा माना। श्रीनगर में आज एक आतंकवादी हमले की खबर है। श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में आज कुछ आतंकवादियों ने CRPF कैंप के पास गोलाबारी की, जिसके जवाब में CRPF के जवानों ने भी दागी गोलियां। मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में CRPF के 5 जवान भी हुए शहीद। शेयर बाजार 100 से ज्यादा अंकों के गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स आज 113 अंक नीचे 19,452 पर आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26 अंक नीचे 5,888 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 54 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। कल रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 2 सप्ताह के उच्च स्तर 54 रुपए 18 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। नए पोप के चयन के लिए वेटिकन में चल रहे सम्मेलन का पहला दिन बिना किसी फैसले के खत्म। सिस्टाइन चैपल चिमनी से निकलने वाले काले धुएं ने पहले दिन नया पोप ना चुने जाने का दिया संकेत। पश्चिमोत्तर यूरोप में भारी बर्फबारी के चलते कई विमान सेवाओं के बाधित होने के बाद यूरोप का सबसे व्यस्त फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट आंशिक रूप से खोला गया। हवाई अड्डे के 3 में से 1 रनवे को केवल उड़ान भरने के लिए फिर से खोल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाने और साउथ कोरिया व अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास से नाराज नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बैंगनियोंग आइलैंड को नष्ट कर देने की धमकी दी है। द्वीप में रहते हैं 5,000 लोग। चैंपियंस लीग के एक अहम मुकाबले में बार्सिलोना ने AC मिलान को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान किया पक्का। पहले लेग में 2-0 से पिछड़ने के बाद बार्सिलोना को अपने घरेलू मैदान पर खेले गए इस मैच में 3 गोल के अंतर से जीतने की थी जरूरत।